नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमिक एड्स पे। आपने अभी तक जो किया वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हिंट दे दूँ। आपके यहाँ हर्बेरियम पढ़ा भाई, पढ़ा था आपने। सेकंड म्यूजियम्स पढ़े, उसके बाद आपने बोटेनिकल गार्डन्स पढ़े जहाँ पर आप लाइव प्लांट्स करते हैं ग्रो, ठीक है। फिर आपने जूलॉजिकल पार्क्स पढ़े पढ़े थे, इसके वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने पढ़ा फ्लोरा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, ठीक है। हमने उस दिन ये सारी टैक्सोनॉमिक एड्स जो है हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 से 1 मार्क्स, खासतौर पर फ्लोरा हो गया, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ये 1-1 मार्क के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा हमने सारे किए हैं। अब जो आज टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड इट इज कीज। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ की? चाबी नहीं, इज नॉट चाबी, यूजुअल चाबी, लॉक एंड की नहीं है, की है। अब बेसिकली की क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर्स, अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, और इन करेक्टर से हम क्या करते हैं, करेंगे क्या इन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स का, हम करेंगे विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। देखो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं जो हमने लिखा है। हमने कहा कि सेट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर्स, अल्टरनेट करेक्टर्स और कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए पहले कि ये क्या है। से हम एक कोई करेक्टर लेते हैं हाइट, अगर हम हाइट का करेक्टर लेते हैं तो इसमें दो तरह के आपके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आते हैं या अल्टरनेट करेक्टर्स आते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। देखो हम किसी भी इवन प्लांट्स में भी हम यही लेते हैं, हाइट का करेक्टर लेते हैं, है ना, तो टॉल या ड्वार्फ। अब देखो ये टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्या है, दो अलग अलग करेक्टर्स, दो अलग अलग करेक्टर्स। अब ये जो दो अलग अलग करेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, अगर हम वेनेशन की बात करें प्लांट्स में, इट इज पैरेलल एंड रेटिकुलेट, ये आगे पढ़ेंगे हम 11। अब देखो यहां होता क्या, आप देखिए अलग अलग करेक्टर है, यहां तो लंबा या छोटा, या पैरेलल वेनेशन या रेटिकुलेट, क्लियर है मेरी बात। अब देखो ये दो अलग अलग करेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहा है बेटा। अब ये जो करेक्टर, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। अब इन करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा, दीज सेट ऑफ अल्टरनेटिंग करेक्टर्स आर नोन एज, दे आर नोन एज कपलेट। यानी इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक कपलेट, यानी एक पेयर, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर फॉर्म्स ए कपलेट, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर फॉर्म्स ए कपलेट, ये ध्यान रखना है। तो आपको समझ आ गया ये क्या बना रहे हैं, कपलेट बना रहे हैं। अब ये जो इंडिविजुअल करेक्टर, दिस इंडिविजुअल करेक्टर, मान लेते हैं ये दिस वन, ये अलग से करेक्टर है, ये भी अलग से, क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या बना, कपलेट। अब इस सिंगल पार्ट को क्या कहेंगे, सिंगल करेक्टर को क्या कहेंगे, दिस सिंगल करेक्टर, दिस सिंगल करेक्टर ऑफ ए कपलेट
इज नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज लीड, इसे हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। तो ये दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज में समझने वाली। पहली कपलेट क्या है, कपलेट क्या है, दीज अल्टरनेटिंग सेट ऑफ करेक्टर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है। और अगर इफ वी सी अराउंड लीड क्या है, इट इज द इंडिविजुअल करेक्टर और द सिंगल करेक्टर ऑफ ए कपलेट इज लीड, यानी ये लीड है, दिस इज ऑल्सो लीड, दिस इज ऑल्सो लीड, दिस इज ऑल्सो लीड। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, इट इज ए कपलेट, क्लियर। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर देखिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इन करेक्टर्स को क्यों यूज करते हैं, वी बेसिकली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हम इन कीज को क्यों यूज करते हैं, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वही ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सेट ऑफ टेबल जहां मैंने थोड़ा सा पहले बना दिया, अदरवाइज क्या होता है कि लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाता है। अब इस टेबल की मदद से हम ये देखेंगे कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमें कुछ सेट ऑफ करेक्टर्स दिए होते हैं, उन सेट ऑफ करेक्टर्स से हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी को बोला जाता है कि। अब यहां एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में भी क्वेश्चन आता है, नोट डाउन दिस लाइन और दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीज आर analytical in nature, keys are analytical in nature, very very important point। मतलब ये keys क्या करती हैं, what does key do, keys are helpful in analysis, है ना। हम दो चीजों को analyze करते हैं, ये चीज ठीक है या ये चीज ठीक है, एनालाइज करते हैं, तो यही कीज का काम है। दे एनालाइज, वो एनालाइज करती हैं कि हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कौन सा करैक्टर एक्सेप्ट करना है, कौन सा करैक्टर नहीं लेना है। नाउ यहां पर हम देखते हैं कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि कीज कितने तरह की होती है। देखो कीज जो है, इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व दिस टेबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज आर गिवन हियर। Number one is indented key, and number second is bracketed key। दो तरह की keys है यहाँ पे। आपको ये जो indented नजर आ रही है, ये सबसे common key होती है। ये common key है, और इसमें हम करते क्या हैं? Look here, the definition is written here. It is a set of alternate or contrasting characters. Naturally, इसमें क्या होगा? वही couplets, contrasting characters होंगे। Which, from which selection and elimination is done। हम कुछ characters की selection करते हैं, कुछ को eliminate कर देते हैं। जो हमें चाहिए वो ले लेंगे, जो नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे। Clear? फिर से एक बार, ये वो couplet characters हैं जिनमें से हम कुछ choose करते हैं, जो हमें चाहिए, और जो नहीं चाहिए उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। They are eliminated। और उसकी help से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है organism कौन सा है। उसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ब्रैकेटेड को देखें, तो ब्रैकेटेड में क्या होता है, दीज करेक्टर्स, ये क्या है, दीज कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर बेसिकली गिवन इन ब्रैकेट्स, गिवन इन ब्रैकेट्स। इफ वी सी हियर, दीज आर द ब्रैकेट्स। हमने कहां जाना है, किसको देखना है, उन करेक्टर्स को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, इन ब्रैकेट्स की। आप देखो यहां कोई ब्रैकेट लगी इस जगह, मैंने कहीं भी, ये सारे कपलेट्स हैं, दीज आर कपलेट, दिस इज अ कपलेट, दिस इज अ कपलेट, ऑल द कपलेट्स आर गिवन। लुक हियर, जैसे यहां लिखा है एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, और नीचे का लिखा है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, यानी टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, टू डिफरेंट करेक्टर्स, एक में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है। नाउ व्हाट इज हियर, दिस इज अ कपलेट, 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 एंड हम ये कहते हैं द characters are given in brackets। Now it means यहाँ मैंने एक चीज लिखी है, go to two character number। ये two का मतलब क्या है? Go to here। अभी हम इसको detail में देखते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं।
इंडेंटेड की में हमने कहा कि हम कुछ सिलेक्शन करते हैं और एलिमिनेशन करते हैं किसकी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की। लेट अस से द एग्जांपल्स आर हियर गिवन बिलो। आपको यहां कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं और ये किन ऑर्गेनिज्म में है, हमने आइडेंटिफाई करना है। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, इट इज द एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर जैसे मेरे है, आपके है ना, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब किसमें है, यहां कुछ नहीं दिया गया, इट इज एम्प्टी। इट मींस हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलेंगे और इसी पहले लीड में आपको क्या दिया गया है, विंग्स प्रेजेंट और विंग्स एब्सेंट। यानी क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि देखो हमें ये कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, अब हमने ये देखना है कि ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं। सिंपल सा बंदा है, हमें ये कैरेक्टर दिए गए और हमने ये देखना है कि ऐसे एनिमल्स कौन से हैं। जैसे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट है। विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट। एंड इफ यू सी विंग्स प्रेजेंट किसमें होते हैं, एक्सटर्नल ईयर इट इज बैट, सॉरी, एंड विंग्स एब्सेंट किसमें होते हैं, इट इज द कैट। और दोनों में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल ईयर्स क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट। समझ आ रही मेरी बात? तो हमने क्या किया, हमने इनके बेसिस पर यहां ऑर्गेनिज्म लिख दिए। जैसे विंग्स किसमें प्रेजेंट है और एक्सटर्नल ईयर्स भी है, तो दोनों क्या होंगे, बैट, इट इज द बैट। और अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है प्लस विंग्स एब्सेंट, इट इज द कैट। रैट भी हो सकता है, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, विंग्स एब्सेंट है, रैट ऑल्सो। तो यहां अगर आपको कोई ये कहता है मुझे गिव मी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको देखकर आपको किसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, बैट के, तो आप क्या कहोगे, बैट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एंड विंग्स प्रेजेंट, क्लियर। और अगर आपको कोई कहता है कैट के, आप कहोगे एक्सटर्नल ईयर विद विंग्स एब्सेंट, करेक्टर लिख सकते हो, क्लियर हो रहा है। तो यहां क्या है, आपको ये लीड करेक्टर दिया गया है और इसी का देखो कपलेट पार्ट कौन सा है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट यानी उसमें ये जो एक्सटर्नल ईयर्स है, इट इज नॉट प्रेजेंट। एंड इफ यू एनालाइज, इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू थिंक, यू विल सी एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट किसमें होते हैं, विंग्स प्रेजेंट, और विंग्स किसमें प्रेजेंट है, एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट इन बर्ड्स। विंग्स एब्सेंट के आगे कुछ नहीं लिखा, इट इज नथिंग। लेकिन इफ कोई, इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है हमें नेक्स्ट पार्ट पर जाना है, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, लिम्स प्रेजेंट, लिम्स एब्सेंट। नाउ यहां लिम्स प्रेजेंट किसमें होते हैं, इट इज द फ्रॉग, और लिम्स किसमें होते हैं एब्सेंट, फिश में। बेसिकली जो उसके लिम्स है दे आर मॉडिफाइड इनटू फिन्स। फिशेस के जो लिम्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड होते हैं, फिन्स में होते हैं। So, देखो यहां क्या है, लिम्स एब्सेंट। अब मान लेते हैं मैं आपको एक करेक्टर पूछता हूं, मैं कहता हूं व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ द फ्रॉग, व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ द फ्रॉग, तो व्हाट वुड यू राइट, यू राइट एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, है ना। फ्रॉग के करेक्टर्स क्या होंगे, ये है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, उसके बाद विंग्स एब्सेंट, लिम्स प्रेजेंट। समझ आई, ये देखो फ्रॉग के करेक्टर आप क्या लिखोगे, इस फ्रॉग के बारे में अगर मैं आपको कहता हूं, आप लिखिए विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिफिकेशन कीज, तो व्हाट वुड यू राइट, यू राइट एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, सेकंड विंग्स एब्सेंट, एंड थर्ड करेक्टर लिम्स प्रेजेंट, क्लियर। तो आइडेंटिफिकेशन कीज की मदद से हमने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म के करेक्टर दे दिए। अब इसी तरह नीचे चलते हैं, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स एब्सेंट। तो गिल्स किस में प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द फिशेस, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गिल्स एब्सेंट देखा जाए तो गिल्स आर एब्सेंट इन स्नेक, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, मैं यहां कहता हूं यू हैव टू राइट द करेक्टर्स ऑफ द स्नेक, यू हैव टू राइट द करेक्टर्स ऑफ द स्नेक, तो व्हाट वुड यू राइट, यू राइट look here, external ears absent, ठीक है, wings absent, snake के लिख रहे हैं, wings absent होंगे,
limbs present or absent? Absent. And gills? Absent. तो इसकी मदद से हम इन identification keys की मदद से हम क्या कर रहे हैं? We are finding. हम क्या कर रहे हैं? हम vertebrates के बारे में बता सकते हैं. Understood? तो हमारे पास set of characters होते हैं. उन characters में से हम जो भी हमें कहा गया है, हमें कहा गया कि भाई आप cat के characters ढूंढो. हमें कहा गया किसी fruit के, plant के बीच में fruit है, कोई mango है, इसके करेक्टर्स बताइए. हमें बताया गया किसी फिश के करेक्टर्स बताइए. तो हमारे पास सेट ऑफ करेक्टर्स दिए होते हैं, अल्टरनेटिंग करेक्टर्स. उनको हम क्या करते हैं? लिखते हैं बिल्कुल प्रॉपरली, और फिर हम उसे क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं. हम कईयों को सिलेक्ट करते हैं. देखिए कईयों को हमने क्या किया है? कुछ करेक्टर्स को सिलेक्ट किया, कुछ को हमने एलिमिनेट किया, तो हमें करेक्टर्स पता लग गए. हमने देखे यहां, तो ये ध्यान रखना. अच्छा, एक और चीज जो यहां ध्यान देने वाली है वो ये देने वाली है कि व्हेन यू, अगर हम नाम से देखें इंडेंटेड की, इंडेंटेड की का मतलब होता है देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप. एंड इफ यू एनालाइज हियर, दीज टू आर कपलेट्स, जो नंबर वन और नंबर वन, ये दोनों मैंने नंबर वन क्यों लिखे हैं? बिकॉज दे आर द सेम कपलेट, दे आर द लीड्स ऑफ द सेम कपलेट, दे आर द लीड्स ऑफ द सेम कपलेट. तो यहां क्या किया है, इनके बीच में जो करेक्टर्स लिखे गए हैं, दीज आर द इंडेंटेड करेक्टर्स. और ये क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं. जैसे यहां वन लिखा है, तो इसका सेकंड जो इंटरमीडिएट करेक्टर है वो कहां लिखा है? थोड़ा सा आगे. अब यहां, यहां भी हमने थोड़ा सा आगे. अब जो ये जो थर्ड इंडेंटेड करेक्टर था, जो थर्ड इंटरमीडिएट करेक्टर था, वो हमने कहां लिखा? इसके भी आगे थोड़ा सा. फोर्थ कहां लिखा? इसके थोड़ा आगे. तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी सेपरेशन बनानी है. हर एक करेक्टर के बीच में हमने क्या करना है, थोड़ा सा सेपरेट करना है. जैसे देखो ये टू, ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा मुझे आगे लिखना चाहिए था. चलिए ठीक है, ये दोनों सेम है तो मैंने सेम जगह लिखे. लेकिन तीसरा करेक्टर हमने कहां लिखा है, ये देखो, थोड़ा सा हमने आगे की तरफ ले गए. चौथा कहां लिखा है, इसके थोड़ा आगे ले गए. तो इससे हमें क्या पता लगता है, थोड़ी सेपरेशन हो जाती है. तो ये आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, तो खासतौर पर इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, keys are analytical in nature, true or false. तो ये ध्यान रखिएगा. क्लियर मेरी बात? तो यहां से आपको क्लियर हुआ. दूसरी चीज यहां आ जाते हैं हम ब्रैकेटेड पे. ये सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल. क्या कहता है कि जो आपके करेक्टर्स है उनको आपने ब्रैकेट में रखना है. यू हैव टू पुट ए ब्रैकेट. जैसे हमने यहां क्या किया, ये सिंपल सा फंडा है. यहां आप देख रहे हो हर जगह मैंने ब्रैकेट लगाई है, करेक्टर के बाहर ब्रैकेट लगाई है भी. तो ये क्या है, इट इज ब्रैकेटेड की. अब डेफिनेशन में हमने कहा कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स, सिंपल सी बात है. अब यहां देखो हम कैसे इसको करते हैं. यहां हमें कहीं भी, क्योंकि ये सारे कपलेट्स है, इफ यू सी हियर, दिस इज द फर्स्ट कपलेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कपलेट, बराबर लिखे. इसमें आगे पीछे लिखने की, जैसे यहां हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सिंपल तरीके से लिखता है. लेकिन अगर आप यहां देखो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, कुछ नहीं लिखा. हमने क्या लिखा, गो टू करेक्टर नंबर टू. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, गो टू करेक्टर नंबर टू का मतलब है वी हैव टू गो हियर. यहां जाना पड़ेगा कि इसको देखो, अगर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट यहां दिया गया है तो कहां जाओ आप, करेक्टर नंबर टू पे जाओ. टू पे आप देखते हो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट क्या है, ये विंग्स प्रेजेंट एंड विंग्स एब्सेंट. क्योंकि ये क्या कह रहा है, गो टू करेक्टर नंबर टू. हम यहां गए, वी हैव सीन के विंग्स प्रेजेंट, बैट, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट होते हैं. उसके साथ विंग्स एब्सेंट किस में थे, कैट में. क्लियर हो गई बात. यहां वो कहता है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट दिया है, लेकिन हम आगे क्या ब्रैकेटेड की में लिख रहे हैं, गो टू थ्री. थ्री कहां जाएगा, लुक हियर, थ्री कहां जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर. देखो विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट, लेकिन एक्सटर्नल ईयर क्या है, एब्सेंट है. तो वो कहता है देखो यहां से ये देखो, ये वाला करेक्टर जो आपको कपलेट लीड दिया गया है, गो टू करेक्टर नंबर थ्री. हम थ्री पे जाएंगे, देखेंगे विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट. विंग्स प्रेजेंट किसमें होते हैं, बर्ड्स में, लेकिन एक्सटर्नल ईयर उसमें क्या होता है,
एब्सेंट, तो क्लियर है करेक्टर हो गया। उसके बाद विंग्स एब्सेंट एंड हियर इट इज रिटन गो टू फोर, हम यहां आ जाएंगे फोर पे देखेंगे क्या लिखा है, लिम्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट, इट इज इन यू नो फ्रॉक, लिम्स एब्सेंट, गो टू फाइव, गिल्स प्रेजेंट, इट इज द फिश, गिल्स प्रेजेंट होती है और गिल्स एब्सेंट किस में होती है, स्नेक, इजी, ये तो हो गया। लेकिन अब अगर मान लो हमें कोई कहता है भाई गिव द करेक्टर्स ऑफ द स्नेक, चलिए मुझे इसके करेक्टर चाहिए विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेटेड की, विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेटेड की, तो आप क्या लिखोगे इसके, इसको देखकर क्या पता लगेगा आपको, पहली देखो यहां क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, ठीक है, विंग्स एब्सेंट, लिम्स एब्सेंट क्योंकि ऑलरेडी गो टू फाइव है, और गिल्स एब्सेंट। तो करेक्टर्स पता लग गए हमें स्नेक के, कैसे पता लगे, विद द हेल्प ऑफ दीज कपलेट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज कपलेट्स। तो यहां सिंपल सा आपने एक मैकेनिज्म याद रखना है कि आपको कुछ करेक्टर्स यहां दिए गए हैं, उन करेक्टर्स को, उन कपलेट्स को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, क्योंकि हमने क्या कहा, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, एनालाइज करना है, सोचना है, और फिर आपने जो भी एनिमल के करेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में आपने लिखना है। मान लो आपके आगे कोई 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 एनिमल रख दिया, ठीक है, कोई एनिमल रख दिया, अब आपको कहा जाता है कि कीज की मदद से इसको पहचानो, तो आप देखोगे उसमें उसके फुट कैसे हैं, उसके विंग्स कैसे हैं, कि एक्सटर्नल ईयर है नहीं है, ठीक है, लिम्स है नहीं है, गिल्स है नहीं है, ट्रकिया है नहीं है, ठीक है, उसकी जो चेस्ट है वो पिजन टाइप है या नॉर्मल चेस्ट है, ठीक है, उसके फुट वेब्ड है या अनवेब्ड है, ये सारी क्लॉज है नहीं है, ये सारी चीजें उस एनिमल में देखोगे आप, तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, यार ये बर्ड लग रहा है, करेक्टर से पता लग जाएगा। अब हमें यहां पता है बर्ड्स जो है उनमें क्या है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, तो पता लग ही जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो आपने है इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन कीज, इन्हें इस टॉपिक को एक और नाम भी दिया था आइडेंटिफिकेशन कीज। और एक चीज और मैं बता दूं, कई बार एक और जो चीज मैं यहां आपको बताना भूल गया कि इंटेंडेड कीज आर ऑल्सो नोन एज, मैं यही लिख देता हूं, दे आर ऑल्सो नोन एज yoked keys, they are also known as yoked keys भी कहा जाता है। Understood my point? So this completes your whole chapter, the living world, first chapter. अब आपका test जो होगा और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपको कल next class में आपको कुछ NCERT questions करवाए जाएंगे, कुछ आपको NEET questions करवाए जाएंगे, आपको worksheet दी जाएगी, उसको कीजिए। So let us see कि आपका response कैसा है। Now अब आपका काम है, मेरा जो काम है वो तो करेंगे, आपका जो काम है वो है कि आपने अब बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर दिस होल लिविंग वर्ल्ड एंड इन डिटेल, क्योंकि हमने पढ़ा भी डिटेल में, सी द वीडियोस, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको बार बार देखिए, देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी चीज सर ने बोली है, और मोस्टली जो भी आपका होगा वो अकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ही आपको वर्कशीट। क्लियर, चलिए ठीक।